कि उनको पूछे कि कोई ज्यादा दस उनकी है। आपने आरक्षण छोड़ा कहाँ, आपने सभी चीज प्राइवेट कर दी और गरीबों को एससी एसटी माइनॉरिटी को उससे वंचित कर दिया। आपने अपने से मित्रों को साथ दिया है, आपने युवाओं को अग्निवीर के माध्यम से भिखारी बनाया, आपने कंपनियां बंद कर दी, आपने अडानी अंबानी के नाम पूरा देश बेच दिया। आप बात करते हो आरक्षण की, देश के प्रधानमंत्री 14 के पहले एक शेर की तरह दहा करते थे, भाइयों बहनों अगर जनता का आशीर्वाद मुझे मिल जाए ना तो मैं सभी करप्शन करने वालों को जेल भेज दूं। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद ही सस्ती लोकप्रियता के लिए कहते, मुझे इतने लोगों ने गाली दी, मुझे इतने लोगों ने मारा, मुझे इतने लोगों ने किया, मैंने तुमने कभी नहीं कहा मुझे कोई गाली देता, अरे देते रहो। तुम लोगों को संस्कारी पार्टी का महत्व पता हो गया, तुम ये भी नहीं बता पा रहे हो कि इस वक्त कतलेआम क्यों पड़े, मणिपुर में दंगा, फिर उत्तराखंड में दंगा और फिर धमकी। अरे बेशर्मो, शर्मो न है, ये हिंदुस्तान चला रहे हो कि मजाक बना के रखे हो। देश के प्रधानमंत्री 14 के पहले एक शेर की तरह दहा करते थे, भाइयों बहनों अगर जनता का आशीर्वाद मुझे मिल जाए ना तो मैं सभी करप्शन करने वालों को जेल भेज दूं। और जैसे ही नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, अंबानी, अडानी का नाम आता है तो एक ही बात आती है, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी यार, मेरी बिल्ली। आप बताइए, 6 महीने पहले भगवान शिव की मूर्ति का उद्घाटन होता है, वो पार्क खोला जाता है और वो उड़ जाते हैं, उसके बाद उन्हीं मूर्तियों को पेंटिंग कर दी जाती है, जोड़ दिया जाता है। खंडित मूर्ति की स्थापना करने से जो प्रलय आया जिसमें हमारे 1000 से ज्यादा लोग मर गए और ये बेशरम सरकार ने 380 लोगों की जान बताई। भांजा और भांजियों ने साफ कह दिया है कि वे लोग फिर से मामा कुला रहे हैं, तो हमने भी यह फैसला लिया है कि हम कंस मामा को नहीं आने देंगे। अब बोलो किस मामा को लाएंगे, कंस को नहीं लाएंगे फिर किसको लाएंगे? अरे कमलनाथ जी हैं और भी मुख्यमंत्री हैं। अरे वो तो जाकर धीरेन्द्र शास्त्री पैरों में पड़े हुए हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, सुनो, जिस बार इस बार भी सरकार हमने ही बनाई थी, खरीद कर, सरकार खरीद कर, विधायक खरीद कर जो मामला इन्होंने किया वो इनकी गलती है। और रही बात कौन किसके पैरों पड़ा है, धीरेन्द्र शास्त्री एक नंबर का फरार झूठा मक्कार है और कोई भी कांग्रेस के नेता उसका समर्थन लेता है ये बाल योगी उसका विरोध करेगा। आप कमलनाथ विरोधी हैं? मैंने कहा जो भी ऐसे पाखंडियों को, मैं आपको कितनी तस्वीरें दिखाऊं कि धीरेन्द्र शास्त्री के पैरों में कमलनाथ पड़े हुए हैं। आप चिल्लाओ मत, उस पे मैं विरोध कर चुका हूं, उस पे मैंने बयान दे दिया है, मुझे मत बताया। बोलिए, देश की जनता कमलनाथ के खिलाफ है? देश की जनता का देखा भाई, काम से खिलाफ होने चाहिए ना। आप बागेश्वरम वाले बाप पर्चा लिखते हैं, बाद में मालूम चला पर्चा लिख रहे हैं, उनके बाद कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह की चीजों को हमने, देखो कांग्रेस में राहुल गांधी जी ने एक साफ कहा है कि हमें किसी भी बात पे जातिवाद, नफरतवाद, घमंड, ताकत नहीं दिखानी, हमें जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ना है और जनता ही हमें जिता रही है। जनता के मुद्दे क्या, जातिगत जनगणना है, कास्ट सेंसस या कुछ और है? जनता के मुद्दे तो वही है ना। कौन से? हिंदू, मुसलमान, साक्षी। और आज मैं इन पत्रकार, जितने भी चाटुकार पत्रकार हो जो हिंदू मुसलमान करते, साक्षी क्या गए थे? बिल्कुल गया था मैं। घर गए थे उनके? बिल्कुल गया था। कहाँ गए? माँ से बात की, उनके पापा से बात किया। साक्षी घर गए, क्या 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 मिला उसमें से? बहुत कुछ मिला। क्या मिला भाई, तो पूछो क्या मिला तुमको? आप गए, क्या मिला आपको? साक्षी के घर जाने पे एक चीज तो प्रतीत थी कि उसके पास कुछ था नहीं, उसके नाम पे भाजपाइयों ने, संघियों ने चंदा बटोरा, लोगों से उसके नाम पे चंदा बटोरे, और एक भी भाजपाई जो व्हाट्सएप स्टेटस लगा के चैलेंज कर रहे थे, एक भी भाजपाई हिंदूवादी नेता उस बेटी के घर नहीं गए, ना कोई मुआवजा राशि गई। हम कने कांग्रेस से भी अपील की उसको मुआवजा देने की। इस तरह के पंचों को आप लोग करते हैं। आप बताओ, इस देश में तो एक देवी थी स्मृति ईरानी, सवाल पूछोगे मालिक को फोन करते, हम शंभू भाई को फोन करें? आप कर दीजिए, मुझे डर नहीं लगता नौकरी देने से। यही चीज है, यही चीज है। फोन मैं फोन कर दूंगी इस तरह। अरे बताओ भैया कहाँ से, तो भाई अगर मान लो स्मृति ईरानी से तुम सवाल पूछने जाओगे तो कहा जाएगा क्या अमेठी की जनता के साथ अपमान है? अगर मान लो स्मृति मोदी सवाल पूछो देश से अपमान है? अरे बेशर्मो, तुम लोग क्या हो? तुम एक पार्टी के सांसद हो, जनता से भीख मांगे हो, रो रो के झोली फैला पा के वोट मांग के सरकार बनाए हो, अब तुम देश के बाप बनना चाहते हो? शर्म नहीं आ रही है? अरे आपको हम बता दें, जिस दिन
जिस दिन उत्तर उस वहां पे लाशें गिरी, मैंने सभी के लिए शांति पाठ किया, हवन किया, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री को इतनी भी शर्म नहीं है कि वो जितने लोग ट्रेन हादसे मरे उनके लिए कम से कम टाइम निकाल के हवन कर दे। अरे वो छोटा मुद्दा सर, अमित शाह का बयान आया, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा, मेरा लक्ष्य यही है संविधान। आप बताइए अमित शाह कि उनको पूछे कि कोई ज्यादा दस उनकी है, आपने आरक्षण छोड़ा कहाँ, आपने सभी चीज प्राइवेट कर दी और गरीबों को SC ST माइनॉरिटी को उससे वंचित कर दिया। आपने अपने से मित्रों को साथ दिया है, आपने युवाओं को अग्निवीर के माध्यम से भिखारी बनाया, आपने कंपनियां बंद कर दी, आपने अडानी अंबानी के नाम पूरा देश बेच दिया। आप बात करते हो आरक्षण की, टुकड़ों में पलने वाले तुम्हारे इनके जो पूरे परिवार के लोग जो अंग्रेजों की दलाली करते थे, माफी वीर हुआ करते थे, ये बताएंगे मैं संविधान। अरे देश के लिए उन्होंने जान कुर्बान कर दी, वीर सावरकर जिसकी आप बात कर रहे हैं। ये बताओ पढ़े हो? बिल्कुल पढ़ा हूँ मैं। 1854 में उनका जन्म होता है, 1857 क्रांति अगर वो ना होते तो हुए नहीं करती। 3 साल का बच्चा बताओ पिपली बजा रहा था उस टाइम। अरे बीजेपी तमाम नेता है, 10 साल की उम्र में 10वीं परीक्षा पास कर लेते हैं, हो सकता है उस समय। हमने कई बार तुमसे कहा कि वो गोबर वाली ही बात करेंगे, 3 साल के बच्चे से क्रांति करवा देते हैं, इंटर पास करने के बाद जो 12वीं पास इंटर करवा देते हैं, प्रधानमंत्री जी लवड़ को कुछ और बोल देते हैं। अरे अगर टेली पास्टर हटा दो तो ये बाल योगी तो इतना बोल गया, ये तो 1 मिनट नहीं बोल सकते देश के प्रधानमंत्री जी। बोलिए, ज्यादा ताकतवर बहादुर ज्ञानी है। मैंने पहले ही बनारस से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, और कौन ताकतवीर है कौन क्या है वो तो बाद में मालूम चलेगा। मैंने पहले ही घोषणा की है कि मैं बनारस इस बार चुनाव लड़ूंगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अखिलेश के खिलाफ है आप? अखिलेश के खिलाफ है आप? मैंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोला है? अखिलेश कहाँ? अखिलेश यादव बयान आया, उन्होंने कहा कि यूपी की जो 80 सीटें हैं सभी सीटों पर सपा जीतने जा रही है। मैं इतना नहीं जानता हूँ, मैं सभी पार्टियों के पास अपना लेटर पहुँचा दिया हूँ, हमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ चाहे निर्दलीय चाहे किसी पार्टी से चुनाव लड़ना है और उनको हराकर संसद पहुंचना है, सीधी बात है। नड्डा साहब कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी थी स्कैम वाली पार्टी है और जो बीजेपी है ये इसकी मौली पार्टी है। अच्छा कौन सी स्कीम? कोरोना काल में 65,000 का रेमडेसिविर बेचने वाले बेशर्मो, कौन सी स्कीम? बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ के नाम पर स्कीम देने वाले बेशर्मो, कौन सी स्कीम? जेपी नड्डा से बोलो हिमाचल में तुमने चुनाव हराया था कि मोदी जी ने चुनाव हराया था? रिबन काटने मोदी जानते हैं, नाम नेताओं के आ जाते हैं। मोदी जी जेपी नड्डा से तो सबसे बढ़िया सवाल तो ये पूछो कि परिवारवाद तुम्हारी पार्टी में क्यों है, ये जैसा किसका बेटा है, और IPL का मैच देखते हुए कितने गंदे इशारे उसने किए थे, क्या ये हिंदू राष्ट्र है? और ये पप्पू बता रहा है, सबसे बड़ा पप्पू तो खुद पैदा किया है जैसा, तो ऐसे से दिखाते हैं। हाँ तो मैंने यही दिखा ना, तो कोई सारे दिखा दिया, क्या मतलब उसका? अब इसका मतलब तो हिंदू राष्ट्र का मतलब है, ये ही उनका हिंदू राष्ट्र है, तभी तो महिलाओं से इतना शोषण हो रहा है। 14 साल की बच्ची बनारस में रेप कर दी गई, 15 साल की बच्चियों का रेप कर दिया गया भाजपा के यूपी के नेता ने, के गुर्गो ने 16 साल की बच्चियों का गैंग रेप किया, और ये गोदी मीडिया बेशर्म, जहां भाजपा का नाम आती है इनको 103 डिग्री का बुखार हो जाता है, ना ये धर्म पे बोलते हैं, ना ये जाति पे बोलते हैं, ना मजहब पे बोलते हैं, ये सिर्फ एजेंडा फिक्स कर चुके होते हैं, एजेंडा फेंकेंगे अब पब्लिक इनकी तरफ आ जाएगी। अब पब्लिक आने वाली नहीं है, कर्नाटक से जो लुंगी पहनाई गई है, संघियों का तो एक मानसिकता और है, बता दूं संघियों को मुसलमान को जीजा बनाने में बड़ा मजा आता है, और उसके बाद सभी को हिंदू मुसलमान करवाने में आता है, इनके जीजा से मुसलमान ही मिलेंगे आपको चाहे जितना देख लो। तो इसलिए भी मैं आपसे एक बात यहाँ कहना चाहूँगा, आज के परिपेक्ष में इस देश का प्रधानमंत्री चुनाव नहीं लड़ रहा है बल्कि लोगों की जानों का सौदा कर रहा है, और इस नफरत को इस घमंड को और इस कहीं ना कहीं इस तानाशाही को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और अगर इनके पास फर्जी संतों की टीम है तो ये बाल योगी महाराज अकेले दम पे इनका मुकाबला करने को तैयार है। अरे आप देख रहे ब्रजभूषण वाले मामले पर दिल्ली पुलिस कह रही है आप हमें ऑडियो या वीडियो दीजिए। देखिए ऑडियो वीडियो की जहाँ तक बात आप कह रहे हैं, कहीं ना कहीं कुल उस वाले मामले में जांच होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर जांच नहीं कराई गई। हमें तो यही लगता है भाई कि आज भी इस देश में कहीं ना कहीं बेटियों की आवाज़ दबाई जा रही है, और ये भाजपा का चुनावी एजेंडे में शामिल है। राहुल गांधी की सांस दी चली गई, कांग्रेस तमाम नेताओं घर पर CBI ED की IT की छापेमारी होती है, आपकी पेट में दर्द? राहुल गांधी की ED की एक भी जाँच सार्वजनिक की गई? सोनिया गांधी को ईडी में कोई जांच सार्वजनिक की गई? कोई बताया कि पब्लिक से इन्होंने ये काम किया? या कांग्रेस में दम था उसने अपने नेताओं को तुरंत जांच करवा के जेल भेजा था? जिस प्रकार से
जब जब भाजपा को डर लगता है अगर उस पर उन पर जाँच हुई उन पर जाँच करवाइए, अगर वो दोषी हो तो ले जाइए। भाजपा के तो बहुत से नेताओं को आरोप है रेप का, कितने लोग जेल चले गए। कि जो बाल योगी हैं सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरीके से मोदी को अमित शाह को टारगेट करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद ही सस्ती लोकप्रियता के लिए करते, मुझे इतने लोगों ने गाली दी, मुझे इतने लोगों ने मारा, मुझे इतने लोगों ने किया, मैंने तो कभी नहीं कहा मुझे कोई गाली देता, अरे देते रहो। हम अपना काम कर रहे हैं, लोकतंत्र का ये नियम है कि हम अपने अल्पसंख्यक का साथ दे, उनके हितों की रक्षा करें, ये लोकतंत्र में बहुसंख्यकों का परम कर्तव्य है। हम अपने लोकतंत्र को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, ऐसे फ्रॉड संगियों को बेढंगियों को हम नहीं मानेंगे। और कोई अगर इस देश को देश का बाप अपने आप को समझता है तो वो अपने आप को देश का बाप समझे, हम इस देश का बाप उसको नहीं मानते। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।